नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पाठ क्रमांक 3.21 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है रेल स्थानक। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेल स्थानक चित्रवाचा पर आधारित है, जिसमें चित्र के माध्यम से रेल स्थानक के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए इसके नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न शब्दों को पढ़कर पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं एवं गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती है, साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है क्रिया शब्द। इसके लिए शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको क्रिया शब्द से संबंधित पर्ची बनाकर लाना है और उसके पीछे अपना नाम लिखना है। फिर जब बच्चे दूसरे दिन पर्ची बनाकर लाते हैं, शिक्षक बोलते हैं कि आपको अब पर्ची, सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं ये सब पहले सुनिश्चित कर लेते हैं। फिर पर्ची बच्चों से जमा करवा लेते हैं और बच्चे ये भी पूर्व प्रबंध करते हैं कि उनके पास एक बॉक्स और रंगीन चार्ट पेपर उपस्थित है कि नहीं। फिर बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द सागर, उसके लिए हमें इसे सजाना होगा, इस बॉक्स को। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं बॉक्स सजाने के लिए। फिर शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स बच्चों को दे देते हैं, उनसे बॉक्स सजवाते हैं, उसी पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बच्चों की रोचकता बनी रहे इसलिए शिक्षक एक प्रश्न पूछते हैं कि आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। तो अमूमन बच्चे बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं। तो शिक्षक बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को उसके नियम बताते हैं कि आपको आगे आना है, पर्ची निकालनी है, पर्ची निकालकर उसमें जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में जानकारी देनी है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा आता है, पर्ची निकालता है, माना कि पर्ची में एक शब्द लिखा है चलना। अब चलने शब्द को एक क्रिया शब्द बच्चे को बनाना है और क्रिया शब्द बनाते हुए बच्चा बोलता है रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो बच्चा चला जाता है, दूसरा बच्चा आता है और पर्ची निकालता है, पर्ची में माना कि एक शब्द लिखे होता है उतरें। अब उतरें शब्द से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलता है गाड़ी खड़ी होने पर ही चढ़ें या उतरें। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से पर्ची के माध्यम से शब्द बुलवाकर कंसेप्ट की जानकारी ले सकते हैं और जिससे बच्चों को कंसेप्ट दीर्घकाल तक याद भी रखने में मदद मिलती है और वो इसे भूलते नहीं हैं और पाठ का भी पुनः अध्ययन हो जाता है। अंत में शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हमने शब्द सागर के माध्यम से पाठ में आए नए नए शब्दों को सीखा। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनिए एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं, हम अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं, हम उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ाया घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण पीटीआर रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। इसमें एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है और इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI Facebook चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।